हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप घर बैठे बहुत ही आराम से ढोकला कैसे बना सकते हैं। और ये ढोकला हम बनाने जा रहे हैं कुकर में, बिना किसी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की हेल्प से। और ये सब बनाने के लिए हमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो होता है बेसन 3 छोटा कप, ग्रीन चिलीज, कड़ी पत्ता लीव्स, लेमन, मस्टर्ड सीड्स, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, वाटर और इनो। इनो हेल्प करता है फर्मेंटेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाउल में बेसन को लेंगे और इसके अंदर हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके ऐड करते जाएंगे। ये लेकिन जो बेसन की क्वांटिटी ली है वो जो छोटी सी बाउल थी उसके हिसाब से ली है हमने। और देखिए, लेमन है, करी पत्ता और ये मस्टर्ड सीड्स हमने पहले ही निकाल के रख लिए। इवन तो इनका यूज़ अभी नहीं होगा, इसका यूज़ हम लोग बाद में तड़का लगाने में करेंगे गार्निशिंग के टाइम पे। अभी हम लोग सिर्फ बेसन का ही बैटर जो है वो रेडी करेंगे। मैंने पानी, चीनी, नमक, इनो ये सब कुछ पहले ही रख लिया है साइड में। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले बेसन का बैटर बनाने की तैयारी करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर गिलास में पानी फिल करके रखा हुआ है। इस पानी का मैं यूज़ करूँगी बैटर बनाने में। तो इसको मैं धीरे धीरे करके ऐड ऑन करती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बट इसको हमें कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते रहना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग विस्किंग करने से, क्योंकि इससे क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे लम्ब्स बनते हैं वो हट जाते हैं। क्योंकि बेसन की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही हम पानी डालें उसमें थोड़े से लम्ब्स बनने लगते हैं। तो ये बैटर जो हम लोग बनाते हैं जितना स्मूथ हो, लम्पलेस हो, उतना ही अच्छा होता है। तो हम इसे अच्छा स्ट्रॉन्ग विस्क करेंगे हाथों से ही। फिर जैसे जैसे हमें लगेगा हम इसमें और वाटर ऐड करते रहेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि ईजली मिक्स हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि स्टार्टिंग में डाल देती तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता। तो धीरे धीरे करके मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें पानी ऐड करती रहूँगी। ये आपको अपने आप ही मालूम लगता रहेगा, जैसे थोड़े थोड़े लम्स अभी भी मुझे दिख रहे हैं। बट अभी मैं इसे और मिक्स करूँगी, लेकिन तब तक मैं थोड़ा इसमें नमक डाल लूँगी और इसको फिर से मिक्स करूँगी। जितना अच्छा विस्क करूँगी, जिसे हिंदी में फेंटना भी बोलते हैं, उतना ही अच्छा बेसन बन के आएगा। फिर इसमें मैंने 1/2 टीस्पून चीनी डाली है। अब देखिए, चीनी ठंडे में मिलाने में बहुत मुश्किल होती है, तो ये हम इतना अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी भी मिल जाए। चीनी गर्म चीज़ में मिलाओगे, पानी गर्म करके मिलाओगे तो ईजिली मेल्ट हो जाती है, लेकिन जब नॉर्मल ठंडे पानी में हम रूम टेम्परेचर में चीनी मिलाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है। तो इस बेसन में मैंने मिला दिया चीनी और नमक। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि चीनी और नमक मिक्स हो जाए। नमक तो ईजिली हो जाता है, बट चीनी को मिक्स करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, थोड़ा सा ये स्वेल भी हो रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी खटास के लिए। नींबू के बीज मैंने निकाल लिए थे, लेकिन थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं, तो इन नींबू के बीजों को आप अलग कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ढोकले के बीच में आ जाएं। तो ये हम लोग हटा देंगे। थोड़ा खट्टापन के लिए हम लोग नींबू ऐड करते हैं इसमें। अब मैं इसे अच्छे से फेंटूँगी, तब तक फेंटूंगी जब तक थोड़ा सा बैटर राइस ना कर जाए। हाँ, थोड़ा सा हल्दी है जो मैंने पहले नहीं ऐड किया था, बट मैं इसको ऐड करती हूँ। आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना, बट मैं हल्दी को काफ़ी पसंद करती हूँ। मोस्ट ऑफ द जितनी भी अपनी मैं डिशेज़ बनाती हूँ उसमें हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ। ये हल्दी जो होती है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए, थोड़ा सा स्वेल होते गया और ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी अपना वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा पहले गर्म करके रखिएगा, क्योंकि फिर इसमें स्मेल आती है। तब सरसों के तेल को पहले गर्म करके अच्छे से फिर ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से स्वेल भी हो रहा है। फिर मैं इसमें एक
सैशे इनो का खोल के इसमें मिक्स करूँगी। देखिए ये इतने अच्छे से मिक्स करूँगी कि इसमें चीनी, नमक, इनो, ऑयल जो भी मैंने डाला है सब मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बन गया है। ढोकले का असली जो स्टफ़ बनता है वो यही है कि आप कितना अच्छे से उसको फेंटें। चाहें तो आप इसी बाउल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया इस बैटर को, क्योंकि मैं जिस बर्तन में इसको डालूँगी फाइनली वो थोड़ा सा कम डीप है, तो इसलिए मैंने थोड़े छोटे बाउल में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसको जो भी आपके पास बाउल हो उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैंने किया क्या है, एक कुकर लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, इसे गैस पे रखा है और इसके नीचे मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है आप कोई भी एक छोटी सी बाउल लेके उसमें कुछ वेट डाल सकते हैं पानी के अंदर, ताकि वो बाउल मूव ना करे, और उसके ऊपर आप अपना कंटेनर रख सकते हैं बैटर का। चाहें तो आप कुछ भी कोई और बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ। इस कुकर को मैंने ढक्कन लगा दिया, उसकी विसिल को मैंने हटा दिया है और इसे मैं 30 मिनट तक लो फ्लेम में रखूँगी। 30 मिनट्स के बाद आप इसको खोल कर देखिए। मैंने इसको देखा, इसमें टेस्टिंग कैसे करते हैं कि पूरा बन गया, आप इसमें स्पून या कुछ भी आप नीडल या कुछ भी डालिए टूथपिक, अगर ये बिना टच किए बिना कुछ अगर एक क्लीन निकल के आ जा रहा है तो यानी कि आपका बैटर रेडी हो चुका है, आपका ढोकला बन चुका है। इसे बाहर रख लीजिए साइड में ठंडा होने के लिए। अब मैं एक फ्राई पैन लूँगी, इसमें ऑयल डाला मैंने थोड़ा सा, मस्टर्ड सीड्स डाली हैं, कड़ी पत्ता डाला है और इसमें इसके बाद मैं ग्रीन चिलीज़ डालूँगी। मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उसको मैं कट करके इसमें डाल दूँगी और सबको मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि मिर्ची है, आइज़ में जा सकती है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिक्स करूंगी और इसमें मैं फिर पानी डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर तक बॉईल करूंगी। हमें इसे ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसे तब तक ही बॉईल करना है जब तक चीनी पूरी मेल्ट हो जाए। चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, बहुत प्यारी सी अरोमेटिक खुशबू भी आने लगी है इसमें से। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू स्प्रे करूँगी। चाहे तो आप नींबू इसको ठंडे होने के बाद भी डाल सकते हैं, मैंने इसको अभी डाल दिया है। और फिर इसको आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए जो मैंने ढोकला निकाला था कुकर में से थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें चक्कू से साइड में एक साथ स्क्रैच करूँगी और एक प्लेट में डाल के इसको उल्टा करके निकाल लूँगी। थोड़ा सा टैप करिए इसको ताकि ईजिली निकल आए बाहर। आराम से इसको फिर से उल्टा कर दीजिए। देखिए मेरी बाउल की शेप का आ गया है तो बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है, टेक्सचर बहुत अच्छा सा बन गया है इसका। फ्लफी सा भी बन गया है। अब देखिए इसको मैंने पीसेस काट ली है, काटने के बाद जो मैंने चाशनी, नमक, चीनी मिला करके फ्राई पैन में जो मिक्सचर बनाया था उसे ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। एक पीस लेकर के दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना फ्लफी स्पंजी सा बना है। ये खाने में बहुत टेस्टी होगा, आप भी इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं, जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, आपकी रेसिपी कैसी हो बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।